हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? मेरी वीडियो बहुत दिन के बाद आ रही है क्योंकि मैं ज़रा बच्चों में बिज़ी थी। तो आज मुझे टाइम मिला है तो मैंने सोची चलो ये रेसिपी आप लोगों से शेयर करती हूँ मेरी यूट्यूबर फैमिली से। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ शिमला मिर्च, भरी हुई शिमला मिर्च जिसे हम स्टफ्ड कैप्सिकम भी बोलते हैं ना। तो इसे बनाने के लिए हमें क्या चाहिए कि जो शिमला मिर्च होती है हमारी, हम उसको इस तरह से काट लेंगे, ऊपर से कट करके उसके अंदर का सब जो बीज होती है ना बारीक बारीक, वो सब उसकी निकाल देंगे। इस तरह से हम उसको कट करेंगे, साफ़ कर लेंगे। अब इसके अंदर बीच में हम स्टफिंग भरेंगे। तो चलिए हम स्टफिंग की तैयारी करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने प्याज फ्राई करने के लिए रख दी हूँ, उसमें मुझे अभी इसमें स्टफिंग तैयार करनी है शिमला मिर्च के अंदर। तो सबसे पहले हम प्याज को फ्राई कर लेंगे और बाकी के जो मसाले हैं उसको हम पीस लेंगे मिक्सर ग्राइंडर में। ये देखिए, इसमें मैंने खोपरा, ज़ीरा और कोथमीर डाली हूँ। इसमें आप हरी मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर ऐड नहीं करी क्योंकि मेरे बच्चे ज़्यादा तेज़ नहीं खाते, इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ पर खोपरा, ज़ीरा और कोथमीर को मिक्स करके लहसुन भी है इसमें, इसे हम इन सबको हमको अच्छी तरह से ग्राइंड करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मसाला मेरा तैयार हो चुका है जो मैंने बताई थी आपको। अब ये इसमें इन सबको हम इसमें डाल देंगे, जो अपने प्याज तले हैं ना उसमें हम इन सबको डाल देंगे। ये अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम डालेंगे सूखे मसाले हमारे, जैसे कि धनिया, हल्दी वगैरह हम डालेंगे इसमें। मैं इसमें गरम मसाला ही डाल देती हूँ क्योंकि ये जो मेरा गरम मसाला है इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इसमें जीरा भी है, धनिया भी है, बहुत सारी चीजें, तो इसलिए मैं सिर्फ इसमें गरम मसाला ही डालूंगी। थोड़ा सा इसमें मैं लाल मसाला डालूंगी। इसमें मैंने हरी मिर्ची ऐड नहीं करी हूं, अगर आपको चाहिए तो आप इसमें हरी मिर्ची भी ऐड कर सकते हो। नमक, इसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे। इसे हमें अच्छी तरह से भूनना है। थोड़ी सी हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें हम डालेंगे हींग। हींग इसमें आप जरूर डालिए, हींग की वजह से पहली बात तो आपको टेस्ट भी इसका अच्छा मिल जाता है और हींग जो है हमारे हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है, इसलिए आप इसे इसमें हींग जरूर डालिए। इसे अच्छी तरह से हम भून लेंगे। ये देखिए हमारा मसाला पक चुका है, ऊपर हमको तेल नजर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो मसाला अच्छी तरह से भून चुका है। अब इसमें हम लास्ट में डालेंगे नींबू का फूल, अगर आप, मैं तो नींबू का फूल यूज करती हूँ, आप इसमें नींबू डालेंगे, आप इसमें अमचूर पाउडर भी डाल सकते हो, मैंने यहाँ पर नींबू का फूल डाली हूँ। इसमें थोड़ा खटास आने के लिए हम इसमें नींबू ऐड करेंगे।
यहाँ पर ये हमारी स्टफिंग जो है वो तैयार हो चुकी है। अब हम इसे थोड़ी देर साइड में रखेंगे ठंडा होने के लिए और फिर इसकी स्टफिंग शुरू करेंगे। ये देखिए ये हमारा तैयार हो चुका है मसाला भून के, इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। ये देखिए मसाला हम इस तरह से इसमें भरते जाएंगे, अच्छे से हमें इसकी स्टफिंग करनी है। ये देखिए फ्रेंड्स ये मैंने इसमें मिर्ची में भर दी हूँ सारे मसाले। अब हम इसे ये देखिए फ्रेंड्स गर्मा गर्म हमारी भरी हुई शिमला मिर्च तैयार है। आपको रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।